वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज खड़े में हम जीने लगा हूँ और मैं यहाँ हूँ इन दोनों गाने के लोपी एस्थेटिक बीटसिंग पर, या आप कह सकते हैं मशअप पर से किपेक लाकर लिरिकल प्लस बीटसिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सिकपेक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट से किपेक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट से किपेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखें और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इंपोर्ट किए हुए सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा जीने लगा हूँ एक्स मैं यहाँ हूँ ये दोनों मशअप स्टेटस सॉन्ग है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बीटमार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ जो आपके 0 सेकंड से लेकर पहले 9 बीट से हमारे 9.20 सेकंड तक, 0 सेकंड से लेकर 9.20 सेकंड तक जो हमारे 9 बीट है पहले उन 9 बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करेंगे। दोस्तों लिरिक्स में आपको वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा। उसके बाद 9.20 से एंड तक जो हमारे बीट्स है उनमें हमें 38 इमेजेस को ऐड करना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम लिरिक्स ऐड करेंगे। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा गाना है 0.05 सेकंड पर। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको पहला वर्ड कैपिटल जो हमारा पहला लिरिक्स है जीने उसका जे कैपिटल, उसके बाद जीने इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। और आपको अब इसमें सबसे पहले तो व्हाइट कलर सेलेक्ट कर दीजिए, बाद में हम कलर चेंज करेंगे। उसके बाद आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए रोबोट रेगुलर जो फॉन्ट हमारा होता है डिफॉल्ट उस पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाना है और दोस्तों आपको एक फॉन्ट को इंपोर्ट कर लेना होगा जिस फॉन्ट का नाम है स्टीफन टाइप, इस वाले फॉन्ट को। अगर आपको पता नहीं कि कैसे फॉन्ट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हाउ टू इंपोर्ट फॉन्ट्स इन अलाइट मोशन। उसको देखकर आप इजीली अलाइट मोशन एप्लीकेशन में फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये फॉन्ट भी आपको डाउनलोड लिंक ऑल मेटल्स में मिल जाएगी, इस फॉन्ट के डाउनलोड लिंक स्टीफन टाइप, तो इसको आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो साइज का ऑप्शन दिखाई देगा 18 PT उस पर क्लिक करना है और इसके साइज को इंक्रीज कर दीजिए जितनी आपको चाहिए। तो मैं इसकी साइज कर देता हूँ 96। बाद में आप इसको मोहन ट्रांसफॉर्म में जाकर इस तरह से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बाद में आपको बताऊंगा। दोस्तों अब हमें क्या करना है, नो लिरिक्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 9.20 सेकंड पर जाना है और जो हमारी लिरिक्स वाली लेयर होगी पहले उसको एक्सटेंड कर दीजिए 9.20 सेकंड तक। यहाँ तक एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पहले वाले बिटमार्क पर आना है और लिरिक्स लेयर को सिलेक्ट कर देना है और इस तरह से स्प्लिट कर देना है। उसके बाद अगले वाले पर जाना है, स्प्लिट कर देना है, उसके अगले वाले में जाकर इस वाले बटन की मदद से स्प्लिट कर दीजिए। इस तरह से आपको सभी लिरिक्स के जो हमारे लेयर है हमने नो पार्ट में आपको इसको ट्रिम कर देना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया है। इसके बाद हम इसको एडिट करेंगे हमारे लिरिक्स को। दोस्तों हमारा दूसरा जो लिरिक्स है वो जीने उसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर इरेज कर देना है इस तरह से, और हमारा दूसरा लिरिक्स है लगा, सभी लिरिक्स का फर्स्ट जो वर्ड होगा उसको कैपिटल रख दीजिए। तो इस तरह से इसको ऐड कर देने के बाद आपको फिर से एक बार आगे जाना है तीसरे लेयर में लिरिक्स, उसके बाद इसको इरेज कर दीजिए हु, तो हमारा तीसरा है हु। इसके बाद चौथे में जाइए, चौथे में जाने के बाद पहले एडिट टेक्स्ट में जाना है, सबसे पहले इसको इरेज कर दीजिए इरेज कर दीजिए और चौथे को ऐड कर लीजिए। उसके बाद फिर से एक बार आगे जाइए और अब इसमें दो वर्ड है से ज़्यादा इस तरह से, और इसको आपको इस तरह से कर देना है। अब आपको साइज़ कम कर देनी होगी इसकी, 72-80 तक रख दीजिए। उसके बाद फिर से अगले वाले लेयर पर जाना है, अगला हमारा है पहले से, इसमें भी दो वर्ड है, आप ध्यान दीजिए पहले
से, इसको भी इस तरह से आपको कम करना होगा इसकी साइज को 80। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर से एक बार अगले लेयर को सिलेक्ट कर दीजिए, इसको भी रेज कर दीजिए, इसका भी पहला है ज़्यादा। उसके बाद फिर से एक बार आगे जाना है और इसमें हमारे दो वर्ड है तुम पे, ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको ऐड करना। और हमारा जो लास्ट लेयर का वर्ड है वो है मरने। अब देख सकते हैं आप दोस्तों हमारे नो के नो लिरिक्स ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों लिरिक्स अब ऐड हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, सिर्फ लिरिक्स में कलर और उसमें इफेक्ट्स देने हैं। दोस्तों कलर देने के लिए आपको जो पहली लेयर होगी लिरिक्स वाली उस पर क्लिक कर देना है, कलर एंड फिल में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा पॉइंटर है वहाँ पर, उस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और आपको जाना है कलर में। यहाँ पर कलर का जो ब्लैक कलर होगा उस पर टच कर दीजिए और जो भी कलर आपको चाहिए, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, फुल डार्क कलर चाहिए तो आपको क्या करना है, इस वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको सपोज रेड कलर चाहिए तो रेड कलर को सिलेक्ट कर दीजिए, इस तरह से बढ़ा दीजिए और ओके कर दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रेड कलर ऐड हो चुका है इसमें। अब सिंपली से आपको इस पॉइंटर को इस तरह से नीचे खींच लेना है और इसको ऊपर वाले को इस तरह से सेट कर देना है। जितना आपको चाहिए पोर्शन कलर का उतना पोर्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो बहुत ही कमाल का बनने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमारा कलर ऐड हो चुका है, उसके बाद आपको सिंपली से लगा पे जाना है, कलर एंड फिल में जाना है, उसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए और अब आपको क्या करना है, सिंपली से दूसरे कलर को सिलेक्ट कर देना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया था। इस तरह से करने के बाद आपको भी पॉइंटर को अब इसको तरह से हिला देना होगा, यानी कि सेट कर देना होगा। दोस्तों अब चाहते हैं तो मैं इस लिरिक्स का वीडियो है उसको एक्सपोर्ट करके आपको ऑल मैटर्स में दे दूंगा, सिर्फ आपको वीडियो को डाउनलोड करना है और इसमें ऐड कर दीजिए अगर आपको चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो आप इस तरह से खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये करने के बाद हमें लिरिक्स में इफेक्ट्स लगा देने हैं। दोस्तों आपको सेकी बैक प्रीसेट को ओपन कर देना है, जो हमारा पहला लेयर होगा टेक्नोलॉजी के नाम से, उस पर क्लिक कर दीजिए और इफेक्ट्स में जाकर इन इफेक्ट्स को कॉपी इफेक्ट्स कर दीजिए। कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद हमारे सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जो हमारे नो के नो लेयर हो गए लिरिक्स के, उन नो के नो लेयर पर आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है फटाफट। सिर्फ आपको इफेक्ट्स में जाना है, उस लेयर पर क्लिक करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपको इस वाले लिरिक्स को इसमें ऐड कर देना है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरह से करना है। ये करने के बाद दोस्तों अब आपको फोटोज ऐड करने हैं और फोटोज में इफेक्ट्स लगा देने हैं। तो दोस्तों आपको 9.20 सेकंड पर आना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज वीडियो में जाना है और जिन भी इमेज पर आपको ये वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम समंता रुद्र प्रभु के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो उनको मैं ऑल मेटल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। दोस्तों आपको इमेज को सिलेक्ट करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इमेज को ऐड कर लेना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके राइट साइड वाले इसे फुल स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए और इमेज का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको आपको कट कर देना है। दोस्तों मैं सभी के सभी इमेजेस को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूँ, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है, आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस को ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। दोस्तों मैंने जो आपको सेकी पैक प्रीसेट प्रोवाइड की है उसको ओपन कर लीजिए। सेकी पैक प्रीसेट में दो हीरोइन की इमेज है, उन दो इमेज के जो इफेक्ट्स है वो हमें वीडियो में ऐड करने हैं। दोस्तों हमारा टाइम कम जाए, आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा इफेक्ट होगा हीरोइन की इमेज वाला यानी कि लास्ट फोटो वाला, उसके इफेक्ट्स को सबसे पहले कॉपी करेंगे। उसके इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों ये इफेक्ट हमें सिर्फ 11 इमेजेस पर लगाना है। मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा, उस बिटमार्क वाले टाइमिंग के इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। सबसे पहले तो आ जाना है आपको 11.01 सेकंड वाले इमेज पर, वहाँ पर आने के बाद इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर तीन डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद 13.23, उसके बाद 17.04, उसके बाद 19.06, उसके बाद 20.17। दोस्तों मैं अब आपको सिर्फ टाइमिंग बता देता हूँ, यहाँ तक आपने 20.17 तक सुन लिया। उसके बाद 21.28, 24.18, 27.12, 28.23, 30.04 और 31.15, यानी कि हमारी लास्ट वाली इमेज। दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, 11.01, 13.23, 17.04, 19.06, 20.17, 21.28, 24.18, 27.12, 28.23,
30.04 और 31.15 इन 11 इमेज पर वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों बची हुई इमेजेस होगी उन इमेजेस पर आपको सिग्बैक प्रीसेट में जाना है और हमारी जो हीरोइन की पहली इमेज होगी ये वाली उसके बिट्स को कॉपी कर लेना है। उसके बिट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों हमारे पहले 9.20 वाली इमेज से जो बची हुई हमारी 27 इमेज होगी उन 27 इमेजेस पर आपको ए वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ए वाला पहला इफेक्ट 27 इमेज पर पेस्ट कर देने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी पेट पेस्ट हो जाएगा और दोस्तों हमारा यहाँ पर स्टेटस बनकर भी रेडी हो जाएगा। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो लोगों को ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दिए दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों अब हम वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकॉन दिखाई देगा, राइट साइड में उस पर क्लिक करना है। वीडियो में जाना वीडियो का एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सेलेक्ट कर दीजिए अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों आप 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों में भी नहीं होगा दोस्तों आप लेटेस्ट वाला अलर्ट मोशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।